बताएं आशीष, आपने आज किस तरह की वैल्यू पिक चुनी है, क्या इसमें निवेश करना चाहिए या ट्रेडिंग का नजरिया रखना चाहिए? देखिए, बताऊंगा तो निवेश के लिए ही, और रीजन सिर्फ यही है कि इस समय बाजार में वही स्टॉक्स पिक कीजिए जहां पे कोई भी सिनेरियो हो, बिकवाली आए ही ना, इतना वैल्यूएशन स्ट्रांग होने चाहिए, और अगर आए तो उसको बिल्कुल आप बाइंग कीजिए। तो वैसे पेडिग्री के स्टॉक्स बहुत ज्यादा नहीं होते मार्केट में। फार्मा स्पेस में एक मिड कैप कंपनी जेवी केमिकल्स हमें बहुत अच्छी लगती है, बहुत स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाली कंपनी, और अभी बायबैक भी हुआ है और बहुत ही उम्दा तरीके से ग्रो हो रही है। डोमेस्टिक फार्मा प्ले, डोमेस्टिक ब्रांडेड फार्मा प्ले जिसे बोलते हैं, क्योंकि जब आप ये लार्ज कैप्स काउंटर में जो अभी भी डर बना रहता है कि क्या मालूम कब क्या चीज प्ले आउट होगी, वो जब आपका एक्सपोजर ग्लोबल यूएस में बहुत ज्यादा है, तो जो डोमेस्टिक स्ट्रेंथ वाली कंपनीज हैं, जो अच्छे प्रोडक्ट लाइनअप वाली कंपनीज हैं, उसमें से एक बहुत अच्छी और चुनिंदा कंपनी है, और मुझे ऐसा लगता है इन लेवल्स पे भी बहुत अट्रैक्टिव है। जो इन्वेस्टमेंट माइंडसेट से अपने पोर्टफोलियो में फार्मा की प्रेजेंस समझते हैं, ये आपको काउंटर डिसअपॉइंट नहीं करेगा। दो मैंने भी ऐसे 3-6 महीने का एक टारगेट 350 का दिया है, बट बियॉन्ड दैट लेवल अगर आप 2-3 साल का व्यू रखेंगे तो आई नॉट बी सरप्राइज अगर काउंटर डबल भी हो जाए यहाँ से। तो जीवी केमिकल्स आपकी आज की पसंद है और 3 महीने का नजरिया आप दे रहे हैं, फिलहाल आप खरीदारी कर सकते हैं 350 के टारगेट के साथ। तो एक ब्रेक के लिए